जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। दोस्तों आज के व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि हमने फार्म पे क्या चेंजेस किए हैं। एक दो टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं जो बड़ी मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह। और मुफीद कैसे साबित होंगी जी? स्प्रिंग लगा दी है दरवाज़ों को। जब ये दरवाज़े बने हैं, तारिक से गलती हुई है और गलती उससे ये हुई है कि कहीं उससे ना एक दरवाज़ा ये बाहर वाला खुला रह गया था। जब उससे वो दरवाज़ा खुला रह गया, काला दलक्का बाहर आ गया, वाइट मुर्गे का पट्ठा बड़ा एक, वो सामने वाले खुड्डों में नीचे बांध था, तो वहाँ से कहीं खुल गए हैं और लड़े हैं आपस में। बहरहाल कैमरे में देख लिया था मैंने, तो मैं अफ्तारी का टाइम था लेकिन पहुँच गया हूँ, शुक्र है बचत हो गई। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार ये जो बाहर बड़े दरवाजे हैं ना हर सेक्शन के, इनका ऑटोमेटिकली बंद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा जहन में नहीं रहता, कुंडी खुली रह जाती है, दरवाज़ा कुछ दरवाज़े बंद होते हैं, कुछ दरवाज़े नहीं बंद होते, खुल जाते हैं। तो इसलिए इनके जो तनाव का और खिंचाव वाला काम है ना वो करना ज़रूरी है। अभी देखें, हमने यहाँ पर हर दरवाज़े में स्प्रिंग लगा दी हैं। स्प्रिंग का ये फ़ायदा है, अब कोई बंदा बाहर, अब जैसे मैं अंदर आया हूँ, मुझे कोई काम था, मैं बाहर निकला हूँ, मैं दरवाज़ा छोड़ दिया, कुंडी नहीं लगाई, ये ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो गया और ये खुलेगा भी नहीं क्योंकि इसे स्प्रिंग ने खींच के रखा हुआ है। पाँव लग गया यार मेरा प्लांट के साथ। रत्ता जी माशाल्लाह मौजों में। ये भी दरवाज़ा देखें खुद बंद हो गया। रत्ते के साथ किल्ली ताजी अंडे दे रही है, अब सुबह बैठी हुई थी अंडे के लिए, इसके साथ हमने मुर्गियाँ माशाल्लाह लगाई हुई हैं दो तीन। दोस्तों आज रानी हमने इधर शिफ्ट कर दी है, ये रानी है बड़े मुश्किल की ब्लड लाइन में से मादी माशाल्लाह कुंडलों वाली, नोक इसकी काट दी थी, मुर्गे को खाती है बहुत बुरा। और किली ताजी इधर ही सुबह कहीं बैठ, वो अंडा पड़ा है सुबह, किली ताजी ऊपर थी, ये नक्का बीच में पड़ा यार निकाल ले। ये पुराने दरवाज़ों के नक्के मैंने कटवाए हैं ना और इधर नए नक्के लगवाए हैं मोटे मजबूत, पुराने शायद इन्हें अंदर ही छोड़ दिए, अभी इनकी सफाइयाँ होने वाली हैं सारे दरवाज़ों खुडों की। तो खिड़कियों में जी इस तरीके से ये काबले डाले हैं, इन काबलों का ये फ़ायदा है ये जब निकालना है, अब खिड़की को मैं नीचे छोड़ूंगा, खिड़की ऐसे बंद हो जाएगी, ताला सीधा कर लेते हैं, ये खिड़की बंद हो गई है ठीक है। अब इसको बंद करना है, यहाँ से कुंडी लगा देंगे रात के टाइम में, और जब इसको ऊपर करना है इसी तरीके से मैं खिड़की खोलूँगा ऊपर जाएगी। और अभी तो क्योंकि मोबाइल है ना मेरे हाथ में, इस वजह से थोड़ा सा ये ऐसे ये छोड़ा, खिड़की पकड़ हो गई है। क्यों जी दोस्तों मज़ा आया था? प्याले दफ़ा तीन तीन लगाए हैं क्योंकि ब्रीडर सेक्शन बनाए हैं ना सारे, तो मुर्गों के साथ मादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो बाद दफ़ा एक मादी दूसरी मादी को एक प्याले में से नहीं खाने देती, एक खुराक वाले दो प्याले हों, सेंटर में पानी वाला हो, वो खा पी के पानी बाद में परिंदे थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। मादी नवे जारिए वाली भी अंडे दे रही है माशाल्लाह, आज तीसरा अंडा मादी ने उतारा है और सुबह हम खोल देते हैं, अब इनको हमारी रूटीन बन गई है माशाल्लाह, जो चीज़ हम चाहते थे वो अब शुरू हो गया काम, सुबह फजर के बाद मुर्गे खोल जाते हैं जी। कल मैंने खुद खोले हैं, आज जुनेद को बोल दिया था, लड़का जो चौकीदार होता है फार्म पे, वो सुबह जाता है तकरीबन 9 बजे, जब बिल्ला आता है तो वो छुट्टी करता है, तो वो जाग रहा होता है, तो उससे मैंने कहा यार सुबह ना एक तो ये लाइटें बंद कर दिया करो सुबह, और दूसरा जो है ये मुर्गे खोल दिया करो, उसे समझा दिए। आज माशाल्लाह उसने खोले हैं परिंदे, सुबह मैं कैमरों में देख रहा था, उस कैमरे में ना सारे परिंदे अंदर खुले हुए नज़र आते हैं, इधर से इस कैमरे में सारे नज़र आते हैं, सेंटर में नज़र आता है बंदा अंदर क्या कर रहा है, वो देख रहा था मैं उसे क्या कर रहा है, खोले परिंदे सारे, उसने बेहतरीन कुंडियाँ शुनियाँ लगाईं, मुर्गे सारे मादियों के पीछे भागे जनाब, सुबह सुबह मौज मस्ती, और यकीन करें कि शौक़ का मज़ा आ गया। तो आपको ये शौक़ हमने करवाना है सुबह वाला इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपको पता है रमज़ान है, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा हूँ, अभी भी मैंने आज बड़ी मुश्किल टाइम निकाला है थोड़ा सा, कि वीडियो बनाते हैं थोड़ा आपको शौक करवाते हैं और परिंदों की मौजें दिखाते हैं, टोरें दिखाते हैं। जिस दिन ये फाइनल होगा, इसको हम फाइनल टच देंगे दोस्तों, फिर आप देखिएगा कि आपको सिर्फ व्यू का भी कितना मज़ा आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो कुछ चूचे पट्टे इधर छोड़े हुए, हमने अभी नहीं दिखाता, बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इस खाने में मैंने क्या छोड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे माशाल्लाह चूचे और पट्टे हैं इसमें कि इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये खड़ा जी पट्टा मुश्के वाला, इसके साथ सावे की माँ लगी थी, अंडे रोक गई है, 5-6 अंडे दिए हैं उसने, कमज़ोर थी मादी, तो मैंने अब अलग कर दी, आज थोड़ी सी मुझे महसूस हो रहा था कि यार मादी जो है ना
वो अपने वज़न में पूरी नहीं है, तो मुर्गे से मैंने अलग कर दी है। तो ये मादी इसके साथ अंडे दे रही है, अभी भी अंडा पड़ा है खुडे के अंदर ही, वो कोने में पड़ा नज़र आएगा। अभी जो ब्रैक्टें मैंने आपको दिखाई हैं वीडियो के स्टार्ट में, एक तो आपने देखा है कि पुराना फार्म जो है वो वापस पूरा सेन एक हो गया है, जाले सारे कटवा दिए हैं और ये बन गई हैं ब्रैकेट्स। दूसरे फार्म का भी आपको बताता हूँ उधर जाके, लेकिन ये ब्रैकेट्स बनवाई हैं, इनके अंदर लगेंगे डंडे, ये इस तरीके से खुडों के अंदर लगने हैं यूँ, ठीक है जी। इनके अंदर रावल बुल्ट लगने हैं, पक्के हो जाएंगे और इसके सेंटर में डंडा आ जाएगा। तो टी के अंदर हमने डंडे लगाने हैं, यानी एक डंडा खुडे के सेंटर में और एक डंडा उसके साथ टी बनाएगा, तो वो भी लगेगा, तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अभी बताने से समझ नहीं आएगा आपको। मज़े की बात बताते हैं, ये 90,000 ये की पट्टी फेर रही है और ये सावे की पट्टी फेर रही है और ये दोनों मादियाँ अंडे देने लागी हैं। पट्टियाँ यार बिल्कुल छोटी छोटी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मादियाँ अंडे इतनी जल्दी देंगी। तो पीले सरियों वाले के साथ लगाया इन दोनों को, नोके शोके इनकी हल्की हल्की काटी हैं आगे से, और ये लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी है, तो ये सारी पट्टियाँ मैंने फ़िलहाल इसके साथ डाल दी हैं। ये तो अभी जोड़ नहीं खा रही, तो वो दोनों मैंने क्रॉस होती देखी हैं पीले के साथ, इनके अंडे संभाल रहे हैं इंशाल्लाह, देखेंगे। अगर अंडे मैंने देने भी हुए ना तो मैं वीडियो में बताऊँगा, फिर आप दोस्त जिसको चाहिए वह रब्ता कर लेना, इन पट्टियों के अंडे इस पीले के साथ आपको मिल जाएंगे, बड़े अच्छे बच्चे निकलेंगे। अब चलते हैं जी पहले फार्म पे और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। ये पड़ा जी सारा सामान, सारे जंगले काट गए हैं सेंटर वाले, गंद को अवॉइड कीजिएगा, सामान हमारा सारा बाहर पड़ा हुआ है। ये वो सेक्शन है जिसके अंदर मुर्गे खोलते थे, ये बड़ा सेक्शन है, वो खुडा बड़ा, ये एक सेक्शन है, ये सारे तोड़ने हैं, इसको वापस बराबर करना है। मलिया मेट कर दिया सारा, सारा कुछ काट देता है यार, इधर शोर है बड़ा, शोर तो है। तारक भाई ये क्या किया है? ये बस जी ग्राउंड बनाया है ना। अच्छा दोस्तों, हम ये सोच रहे थे कि इसी फार्म के सामने हमारे पास एक हवेली पड़ी है दरख्तों वाली, वो 15 मरले तकरीबन एक नाल है, तो हमने ये सोचा था कि जो हमने पट्टे पालने हैं ना चूजे पट्टे, वो सारे हम सामने सेटिंग करेंगे उधर ले जाएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं है, ये जो कितनी है। अच्छा ये आइडिया पहले जहन में नहीं आया, मैं सुबह मंजिल पाड़ रहा था कल, मेरे अचानक जहन में आया, मैं कह यार पुराने फार्म में वो हमने खाने बनाए थे ब्रीडर मुर्गों के लिए, तो काम के नहीं थे, नहीं ब्रीडर मुर्गों के लिए बनाए थे, तो अभी हमने जब नए फार्म पे इतने सारे खाने बना लिए हैं, इतने केजेस बन गए हैं, सारे मुर्गे हमारे माशाल्लाह वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, और अभी मजीद जितने मुर्गे हमने वहाँ शिफ्ट किए हैं इतने मुर्गों की और गुंजाइश भी मौजूद है, तो यहाँ पर हमें फिर ब्रीडर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो हम सारे अपने चूचे पट्टे जितने 3-3, 4-4 महीने वाली आवाम होगी, 6 महीने वाले जितने, फिर जब पट्टे 7 महीने 8 महीने के हो जाते हैं लगना शुरू कर देते हैं या छोटों को तंग करते हैं मारते हैं, मस्ती में आना शुरू होते हैं, तो पकड़ कर ये पीछे खुडे हैं सारे, इनमें लगा दो जनाब, इधर खुडे हैं इनमें लगा दो, तो मसला ही नहीं। तो ये दोस्तों बड़ा फिट काम हो गया, अभी इसकी सफाई सफाई करवाएँगे इंशाल्लाह, आज मामे को बोल दिया है, मामा आएगा शाम को, इसकी सफाई कराएँगे, इसमें सारी मिट्टी डाल के बराबर लेवल करेंगे, जहाँ से कंक्रीट तोड़नी है वहाँ से कंक्रीट तोड़ के इसको सारा नरम कर देंगे। खुडा हमारे पास ऑलरेडी बन गया है, तो इस खुडे को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ जो है हम जितना यहाँ खुला फिरने वाला माल होगा ना तारिक भाई, वो सारा ये ब्रैकटें बन रही हैं डंडों की, इनके अंदर भी शाह जी वो कहते हैं ब्रैकटें लगा दें डंडों की, 3-4 डंडे लगवा लेते हैं यूँ क्रॉस में। इधर किली ताजा फिर जी आपको दिखाते हैं, ये किली ताजा हमने कार्गो करना है नवीद भाई के लिए मलकवाल, ये नवीद भाई को दे दिया अल्लाह नसीब करे, अच्छे पैसों में उन्होंने लिया है, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि जब उन्हें हमको परिंदा देते हैं बाद में मांगते हैं तो वापस भी मिल जाता है। अभी बस थोड़ा सा मैं फार्म का काम करवा रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस की वजह से मैंने नवीद भाई की रिक्वेस्ट जो है वो मान लिया कि चलें जी दे देते हैं परिंदा आपको। मेरे तो तबाही फेर दी है, नहीं गाल सुनना इस तरह कार ना हो कुकड़ी काट ना थलू, तू पचटा पटा ये ऊपर डाल दी है। तारक भाई ये करना है ना कि आधा दिन मुर्गा उस मादी के साथ खुला रहे, जब वो नीचे करनी है तो ये नीचे वाली ऊपर कर देनी है, ठीक है? चिट्टा पटा चुक ला यार, ठीक है जी। दोस्तों वीडियो का अख्ताम करते हैं, यार मैं थोड़ा सा काम है घर जा रहा हूँ और ये तो काम लगे रहते हैं,
ख़त्म नहीं होते। अंडे हमारे काफ़ी सारे गंदे भी निकले हैं, ये देखें जितने अंडे हमने मादियों के नीचे रखे थे, आधों में बच्चे निकले हैं और आधे अंडे गंदे निकले हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अब जिन मादियों के बच्चे निकले हैं उन्हीं मादियों के आधे अंडे गंदे भी हैं। उसकी वजह यह है कि मुर्गे हमारे प्रॉपर खुल नहीं सके, प्रॉपर मादियाँ क्रॉस नहीं होती रहीं, जिसकी वजह से आधे अंडे खाली और आधे अंडों में बचे हैं। तो यही वजह थी सारी नया फार्म बनाने की। अभी ये सारा चूज़ों के खुडों में से भूसा वगैरह निकाला है, नया डाल दिया, कुपैक्स डाली है। अब देखें ना, ये थोड़ी सी केयर होती है, ये कुपैक्स डाल के अभी छोड़ी है थोड़ी देर, उसके बाद इसके ऊपर भूसा डालेंगे डाल के। बस ये खुश्क सफाई हफ्ते 10 दिन बाद हो जाए तो काफ़ी होती है। ये इधर कुपैक्स वगैरह डाल के चूचे शिफ्ट किए हैं फिलहाल। ये भी खुडे गंदे हैं, बहरहाल चलें आहिस्ता आहिस्ता दो दो चार चार करके साफ़ करेंगे। रमज़ान का महीना, मैं तारिक भाई पर बोझ नहीं डालता, इन्हें सिर्फ मैंने, ये बहुत गंदे हो गए थे नीचे वाले, तो मैंने कहा यार ये दो खुडे लाजमी साफ़ कर दें क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था, स्मेल आ रही थी। अंडे तारिक भाई खुडों में पड़े, उठा लें। शाह जी ऐसे ही ब्रैक्टर लानियाँ ने। ठीक है जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।